दोस्तों, आज की भारतीय सिनेमा में ऐसे बहुत कम ही कलाकार हैं जो किसी भी तरह के किरदार को अपनी तरह से ढालने में सक्षम हैं। भारत में ऐसे अभिनेता बहुत मुश्किल से मिलते हैं जिन्हें आंख मूंदकर कोई भी किरदार दिया जा सकता है। ऋतिक रोशन आज की भारतीय सिनेमा में एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने अपने 22 सालों के फिल्मी कैरियर में अलग अलग तरह के इतने बेहतरीन रोल निभाए हैं जो किसी भी दूसरे अभिनेता के लिए लगभग नामुमकिन सी बात है। एक रोमांटिक हीरो से लेकर एक फौजी, आतंकवादी, सम्राट, सुपर हीरो और फिर बिहार के एक सीधे साधे आदमी को पर्दे पर उतारने के कुछ ही महीनों बाद वॉर फिल्म में हैंडसम हंक अवतार में नजर आने वाले इस अभिनेता जैसी विभिन्नता की मिसाल मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब यही शानदार अभिनेता हमें फिल्म विक्रम वेधा में फिर से पर्दे पर नजर आया है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों न हमारे प्यारे दर्शकों के लिए ऋतिक रोशन की लाइफ स्टोरी लाई जाए, जिसे देखकर वो ये समझ सके कि आखिर कैसे इस अभिनेता की कहानी अपनी तरह के बाकी लोगों से बिल्कुल ही अलग और शानदार रही है। ऋतिक रोशन नागरथ का जन्म 10 जनवरी साल 1974 को मुंबई शहर में पिता राकेश रोशन और मां पिंकी रोशन के घर पर हुआ था। ऋतिक की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम सुनैना रोशन है। इनका परिवार शुरू से ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रहा है। इनके दादाजी मशहूर संगीतकार रोशन साहब थे और उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए उनके दोनों बेटे राकेश रोशन और राजेश रोशन ने भी फिल्मों में ही अपना कैरियर शुरू किया। हाँ, फर्क यह रहा कि जहाँ राकेश रोशन एक अभिनेता बने, वहीं राजेश का मन संगीत निर्देशन में जम गया। बता दूं कि ऋतिक के नाना भी फिल्मों से ही जुड़े थे, जिनका नाम जे ओम प्रकाश था, जिन्होंने आपकी कसम, आशा, अर्पण और आदमी खिलौना है जैसी कई मशहूर फिल्में बनाई थी। यानी कि ऋतिक ने कलाकारों से भरे पूरे परिवार में अपनी आंखें खोली थी। उनका जन्म 11 उंगलियों के साथ हुआ था, अर्थात उनके एक हाथ में दो अंगूठे थे। बहरहाल जब वो थोड़े बड़े हुए तो मुंबई में ही उनकी स्कूली शिक्षा शुरू हुई। स्कूल का नाम था बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल। ऋतिक रोशन पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी हकलाकर बोलने की आदत और एक हाथ में दो अंगूठे वाली बात के कारण स्कूल में काफी बुरे अनुभव से उन्हें गुजरना पड़ा था। कुछ मौके तो ऐसे भी आए जब खुद का मजाक न बने इसके लिए खुद को चोटिल कर लेते थे ताकि उन्हें स्कूल ही जाना न पड़े। बचपन में अपनी कुछ दिक्कतों के चलते ऋतिक रोशन को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने थेरेपी के जरिए अपनी हकलाने की आदत को छोड़ने का प्रयास किया। ऋतिक बताते हैं कि उन्हें 6 साल की उम्र से ही हकलाकर बोलने की आदत थी, जो कि 35 सालों तक उनके साथ रही और आज भी वो इसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। स्कूल में सहमे हुए लड़के की इमेज से अलग घर पर ऋतिक रोशन बहुत ही शरारती थे। उन्हें अपने घर वालों को तंग करना और उनके साथ मस्तियां करना बहुत ही अच्छा लगता था और अपने इन हरकतों के चलते उनको अपने पिता से डांट फटकार भी सुननी पड़ती थी। एक फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने के कारण ऋतिक को 6 साल की उम्र में ही पहली बार कैमरा फेस करने का मौका मिला। साल 1980 में आई उनके नाना जी की फिल्म आशा में वो एक छोटे से रोल में नजर आए थे और इसके लिए उन्हें 100 रुपयों का मेहनताना भी मिला था। और इसके बाद ऋतिक अपने पिता की फिल्म आपके दीवाने और आसपास में भी नजर आए और इस तरह आगे चलकर इन्हें साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म भगवान दादा में पहली बार एक अच्छे खासे रोल में देखा गया, जहां इनके हिस्से कुछ अच्छे संवाद भी आए थे। ऋतिक रोशन को अब कैमरे की दुनिया का अनुभव हो गया था और यह अनुभव उनके लिए बड़ा ही अच्छा रहा, इसलिए उन्होंने यह मन बना लिया कि आगे चलकर वो एक अभिनेता ही बनेंगे। लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर इन सब बातों पर ध्यान दे। मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज से ऋतिक ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वो अपने सपने को पूरा करने के लिए तैयार थे। कॉमर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक समय ऋतिक रोशन स्पेशल इफेक्ट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए लंदन भी जाने वाले थे, लेकिन फिर उन्हें अपने पिता को असिस्ट करने का मौका मिला और उन्होंने राकेश रोशन को फिल्म कोयला, खुदगर्ज, किंग अंकल और करण अर्जुन में असिस्ट करने का मौका मिला। इन फिल्मों के सेट पर ऋतिक रोशन को फर्श साफ करने से लेकर चाय बनाने और सबको चाय देने जैसे बहुत से छोटे मोटे काम भी करने पड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को फिल्म निर्देशक का बेटा बताकर इन कामों से पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो फिल्म निर्माण को एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीखना चाहते थे। अपने पिता के साथ काम करने के अलावा ऋतिक ने किशोर नमित कपूर के यहाँ एक्टिंग क्लासेस भी लेना शुरू कर दिया था। और फिर एक समय आया जब राकेश रोशन को यह महसूस हुआ कि उनका बेटा अब फिल्मों में आने के लिए तैयार हो गया है। राकेश रोशन अपने बेटे को एक हीरो के तौर पर फिल्मों में लाने का विचार करने लगे थे, लेकिन तभी ऋतिक रोशन को अपनी रीढ़ की हड्डी में स्कोलियोसिस
इस बीमारी का पता चला। डॉक्टरों ने कहा कि अब उनके रीढ़ की हड्डी पर हल्का सा वजन भी खतरनाक साबित हो सकता है। इस तरह से ऋतिक को डांस जैसी कई एक्टिविटी करने से साफ मना कर दिया गया। डॉक्टरों की बात सुनकर घर वालों ने भी ऋतिक को अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए कह दिया, यानी कि फिल्मों में काम करने का सपना अब पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ऋतिक रोशन ने मायूस होकर चुपचाप बैठने की बजाय खुद को बेहतरीन बनाने का काम शुरू किया और अपनी पहली फिल्म से पहले ऋतिक रोशन ने सलमान खान के साथ वर्कआउट करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि ऋतिक रोशन पहले प्रीति जिंटा के साथ फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म तारा रंपम के जरिए पर्दे पर नजर आने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उन्होंने साल 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है के जरिए अपना डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ एक नई हीरोइन अमीषा पटेल नजर आई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने डबल रोल निभाए थे, जो कि एक डेब्यूटेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और उस पर इसी फिल्म में उन्होंने अपने डांस मूव्स के जरिए भी लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। लड़कियों में इनकी पहली फिल्म के बाद दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनको साल 2000 में वैलेंटाइन डे पर 30,000 प्रपोजल मिले थे। कहो ना प्यार है में अपने काम की बदौलत ऋतिक रोशन को फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में बेस्ट डेब्यूटेंट एक्टर और बेस्ट एक्टर दोनों अवार्ड दिए गए थे, और ये पहला मौका था जब किसी अभिनेता को एक साथ ये दोनों अवार्ड मिले थे। ऋतिक रोशन की पहली फिल्म भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल करने वाली फिल्म भी बनी, जिसके बाद इस अभिनेता ने अदायगी में अपना विस्तार करने के लिए फिल्म फिजा में भोले भाले लड़के के आतंकवादी बनने की कहानी को पर्दे पर उतारा। यद्यपि फिल्म ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन ऋतिक रोशन को अपने काम के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन हासिल हुआ। ऋतिक रोशन की अगली फिल्म मिशन काश्मीर थी, जिसमें इन्हें संजय दत्त, प्रीति जिंटा और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला था। यह फिल्म सफल रही और ऋतिक रोशन को अपने किरदार के लिए काफी वाहवाही भी मिली। अगले साल सुभाष घई की फिल्म यादें में करीना कपूर और ऋतिक रोशन की जोड़ी पर्दे पर आई। यहां से इन दोनों कलाकारों के बीच अफेयर्स की खबरें भी उड़नी शुरू हो गई, जिसके बाद करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम ने हवा देने का काम किया। कभी खुशी कभी गम में हिंदी सिनेमा की सबसे शानदार स्टार कास्ट ने काम किया था और यह फिल्म अपने समय में विदेशों में भारत की सबसे सफल फिल्म भी साबित हुई थी। इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी हासिल हुआ था। अगले कुछ समय में रोमांटिक फिल्मों में मिली सफलता को देखते हुए ऋतिक रोशन ने मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मुझसे दोस्ती करोगे, ना तुम जानो ना हम और आप मुझे अच्छे लगने लगे जैसी फिल्मों में बड़े बैनर्स के तले काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म कभी खुशी कभी गम या कहो ना प्यार है जैसी सफलता दोहरा नहीं पाई। यहाँ आकर ऋतिक रोशन को लोग वन हिट वंडर मानने लगे थे। यह अभिनेता अब अपने दम पर फिल्म की सफलता को तय नहीं कर पा रहा था और इसलिए ऋतिक रोशन ने अपने करियर को एक नई दिशा देने का काम करना शुरू कर दिया। इस दिशा में पहला कदम रखने का मौका इन्हें मिला अपने पिता की ही फिल्म कोई मिल गया से, जो कि साल 2003 में रिलीज हुई थी। भारतीय सिनेमा में इस फिल्म की सफलता ने साइंस फिक्शन कैटेगरी में एक क्रांति लाने का काम किया। इस फिल्म में ऋतिक रोशन का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिला, जिसमें इस अभिनेता का अपने काम को लेकर डेडिकेशन साफ नजर आता है। अपने शानदार काम के लिए ऋतिक रोशन को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स दोनों ही कैटेगरी में अवार्ड हासिल हुए थे। अगले साल फिल्म लक्ष्य के जरिए इस अभिनेता ने अपने शारीरिक बदलाव से एक बार फिर सबको चौंका दिया। यद्यपि फिल्म असफल रही, लेकिन आज भी इस फिल्म में ऋतिक के काम को अपने कैरियर का सबसे बेहतरीन काम माना जाता है। ऋतिक रोशन अगले लगभग 1.5 सालों तक किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए, क्योंकि वो अपने कैरियर के सबसे बेहतरीन किरदार पर काम कर रहे थे। साल 2006 में क्रिश रिलीज हुई, जिसने इस अभिनेता को इस सदी के सबसे शानदार कलाकारों में लाकर खड़ा कर दिया। भारतीय हिंदी सिनेमा को एक लंबे समय के बाद अपना सशक्त सुपर हीरो मिल गया। इसी साल धूम 2 भी रिलीज हुई, जिसमें इन्होंने एक शानदार शातिर चोर की भूमिका निभाई और अपने कैरियर का तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया। यह कलाकार अब बीतते समय के साथ शानदार बनता जा रहा था और यह बात इनके फिल्मों के चुनाव में भी साफ नजर आ रहा था। धूम 2 भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई, जिसके बाद आशुतोष गोवरीकर की फिल्म जोधा अकबर में ऋतिक अकबर के किरदार में नजर आए। इस फिल्म में काम करने के पीछे का एक कारण ऋतिक रोशन के लिए ये भी था कि इससे पहले फिल्म स्वदेश के लिए शाहरुख खान से पहले इन्हें अप्रोच किया गया था, लेकिन इन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया था। लेकिन फिल्म देखने के बाद ऋतिक रोशन को अपनी भूल का एहसास हुआ। इस भूल को वो फिर से दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आशुतोष गोवरीकर की फिल्म जोधा अकबर के ऑफर को स्वीकार कर लिया, जिसमें स्वदेश की ही तरह ए आर रहमान
खान संगीतकार और जावेद अख्तर गीतकार की भूमिका में नजर आए थे। अपनी फिल्म जोधा अकबर के लिए ऋतिक रोशन ने खास तौर पर घुड़सवारी से लेकर तलवारबाजी और उर्दू जुबान बोलना सीखा था और यह परफेक्शन फिल्म में नजर भी आता है। इस फिल्म के लिए इन्हें एक बार फिर से फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ था। साल 2010 में यह अभिनेता फिल्म काइट्स में नजर आया और इस फिल्म के एक गीत को अपनी आवाज भी दी थी। इसी साल ऋतिक रोशन ने पहली बार संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म गुजारिश में काम किया, जिसमें अपने जादूगर के किरदार के लिए इन्होंने वजन बढ़ाने से लेकर यूक्रेनियन मैजिशियन के साथ काफी लंबा समय भी बिताया था। ऋतिक ने इस बीच पैराप्लेजिक रोग से पीड़ित लोगों से मुलाकात भी की थी, लेकिन अपने बेहतरीन काम के बावजूद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल नहीं कर पाई। हालांकि ऋतिक इस फिल्म में अपने काम को आज भी अपने कैरियर का सबसे अच्छा काम मानते हैं। आगे जिंदगी न मिलेगी दोबारा के जरिए ऋतिक को 3 साल बाद बॉक्स ऑफिस सक्सेस का अनुभव करने का मौका मिला। इस फिल्म में भी इन्होंने एक गाने में अपनी आवाज दी थी। साल 2012 में इन्होंने फिल्म अग्निपथ में काम किया, जिसकी शूटिंग के दौरान ऋतिक को बहुत सी चोटों से गुजरना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी संजय दत्त और ऋषि कपूर के बेहतरीन काम के बीच इन्होंने अपने काम को जिंदा रखा, जो कि किसी भी अभिनेता के लिए बहुत मुश्किल बात होती है। ऋतिक रोशन ने इस दौरान कुछ चुनिंदा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, यद्यपि फिल्मों का चुनाव तो ये शुरू से ही सोच समझ कर रहे थे, जिसके चलते इनको अपने कैरियर में स्वदेश और दिल चाहता जैसी फिल्में छोड़नी भी पड़ी थी। साथ ही इन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 और पिंक पैंथर 2 के ऑफर को भी रिजेक्ट करना पड़ा था। साल 2013 में ऋतिक क्रिश 3 में नजर आए, जो कि उनके कैरियर की सबसे महंगी और सबसे सफल फिल्म साबित हुई। फिल्म में अपने काम के लिए इन्होंने अपना 5वां और लगातार 4थी बार फिल्म फेयर नॉमिनेशन हासिल किया। अगले साल फिल्म बैंग बैंग रिलीज हुई, जो कि हॉलीवुड फिल्म नाइट एंड डे की रीमेक थी। उस समय यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म रही, जिसमें ऋतिक रोशन फ्लाइंग बोर्डिंग स्टंट परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय अभिनेता भी बन गए थे। साल 2016 में ऋतिक एक बार फिर आशुतोष गोवारिकर के साथ काम किया। फिल्म थी मोहनजोदाड़ो। इस फिल्म के लिए ऋतिक ने 50 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस ली थी। हालांकि बहुत सी उम्मीदों और आशाओं के विपरीत यह फिल्म सफलता हासिल नहीं कर पाई। ऋतिक ने आगे फिल्म काबिल में एक अंधे आदमी का किरदार निभाया, जिसके लिए इन्होंने कुछ दिनों के लिए खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था और फिर कुछ अंधे व्यक्तियों से भी मिले थे। फिल्म सफल रही, जिसके बाद इन्होंने 2 सालों के ब्रेक के बाद फिल्म सुपर 30 और यशराज बैनर के साथ फिल्म वॉर में काम किया। दोनों ही फिल्मों की शूटिंग के बीच ऋतिक रोशन को कुछ ही महीनों का समय मिला, जिसमें इन्हें आनंद कुमार से सीधे अपने पुराने हैंडसम हंक अवतार में नजर आना था, और इस अभिनेता का परफेक्शन यहाँ भी नजर आता है। फिल्म वॉर इनके कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई, जिसके बाद अब यह कलाकार फिल्म विक्रम वेधा में नजर आया है, जिसके शुरुआती रुझान को देखकर तो यही लग रहा है कि फिल्म न केवल खूब अच्छा व्यवसाय करेगी, बल्कि लोग ऋतिक के अभिनय को लंबे समय तक याद रखेंगे। बात करें इस अभिनेता के पर्सनल लाइफ के बारे में, तो ऋतिक ने अपने बचपन की मोहब्बत सुजन खान से विवाह किया था, जिनसे इन्हें 2 बेटे हैं, लेकिन फिर करीना कपूर और कंगना रनौत के साथ नाम जुड़ने की खबरों ने इस जोड़ी के बीच दरार डाल दी और दोनों साल 2014 में एक दूसरे से अलग हो गए। ऋतिक फिल्मों में काम करने के अलावा अपना एक ब्रांड भी चलाते हैं, जो कि इन्होंने साल 2013 में HRX के नाम से शुरू किया था। इसके अलावा इन्होंने फिजिकली और मेंटली तौर पर कमजोर बच्चों की लगातार मदद की है। कहा जाता है कि ऋतिक हर महीने 7 लाख रुपए की राशि डोनेट करते हैं। इसके पीछे का कारण यह भी है कि उन्होंने खुद अपने बचपन में बहुत सी बीमारियों का सामना किया था। फोर्ब्स जैसी पत्रिकाओं में अपना नाम लगातार दर्ज कराने वाले ऋतिक रोशन को कभी नेपाल पर अपने बयान के कारण तो कभी कंगना रनौत से अपने रिश्ते के चलते कई बार विवादों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभिनेता आज भी भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार है और परफेक्शन के मामले में इन्हें टक्कर देने वाला शायद ही कोई अभिनेता बॉलीवुड में मिल पाए। तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के शानदार अभिनेता ऋतिक रोशन पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें, तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।